दोस्तों, कल रात को हम लोग यहाँ पे इस मंदिर में रुके हुए थे और अभी अपना सारा पैक पैक करके और यहाँ से हम निकल रहे हैं यात्रा पे केदारनाथ का। तो भाई सुबह सुबह राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ, फीलिंग इज सो हार्ड। और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं, अभी 6 बज गया होगा, 1 घंटा राइड कर चुके हैं और चलो देखते हैं कि हम लोग बाबा केदारनाथ की और कितने करीब आज पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे आए हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि जहां कहीं भी हम लोग को पेट्रोल पंप दिखता है वहां से पानी भर लेते हैं, क्योंकि यहां ठंडी पानी रहता है फ्रीजर के अंदर। ठंडा पानी है, हम लोग जहाँ भी पेट्रोल पंप दिखता है वहीं से ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा पानी रहता है, बाकी गर्मी तो पानी जानते हैं गर्म हो जाता है। तो ठंडे किया हुआ है और अभी टाइम हो रहा होगा लगभग 5 बज रहा होगा, इसलिए मस्त ढलान आ गया शुरू में ही। माँ तारा चंडी के यहाँ पे गिफ्ट है, माता का आशीर्वाद मिला और बाबा लोग बहुत हेल्प किए, प्रसाद वरसाद किए, लेकिन भी रखा हुआ है प्रसाद का खाएंगे। और भाई मस्त मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करके, अभी सुबह सुबह कैसा लग रहा है सूरज? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मस्त। अभी सुबह सुबह ढलान आ गया, अब आगे देखो हवा भी बहुत चल रहा है। हाँ, और अब आगे देखो चढ़ान भी है। देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम लोग को रास्ते में दिखे तो फिर हम लोगों से मिले। हम लोग तो केदारनाथ के लिए भी यात्रा कर रहे हैं और आज हमारा दूसरा दिन। ये हालत खराब हो जा रहा है साइकिल चलाने में, फिर भी हम लोग साइकिल चलाकर बाबा केदारनाथ के पास जा रहे हैं उनके दर्शन लेने के लिए। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप से पानी भर रहे थे ठंडा ठंडा, तो वही अभी पी रहे हैं, प्यास बुझा रहा है, गला सूख रहा है, क्या करें, जाना तो है, मंजिल अभी दूर है पर जाना जरूर है, हिम्मत नहीं छोड़ूंगा, केदारनाथ तक जाऊंगा और बाबा का दर्शन करूंगा और आप सभी लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। तो अभी हम लोग रुके हैं होटल में नाश्ता करने के लिए और यहाँ पर खाना खा रहे हैं होटल में। देखिए चावल, सब्जी, दाल, ये सब है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब दोपहर हो गया था, तो हम लोग खाना पीना यहाँ होटल में पास में खाएं। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर है तो पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रहा था, तो वहीं पे भी मैं और सूरज दोनों यहाँ पे सोए हुए हैं। और इस साइड में अपना मोबाइल भी फ़ोन भी चार्ज में लगा दिए हैं पावर बैंक पर। तो चलिए फिर आगे का सफ़र शाम को स्टार्ट करेंगे, अभी रेस्ट करते हैं यहाँ। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो फाइनली हम लोगों को गैस सिलेंडर का दुकान मिल गया और यहाँ पे हम लोग अपना जो गैस है छोटा वाला उसको भी फिलअप करवा रहे हैं। तो
तो चलिए अपने सिलेंडर को फुल करवा कर और फिर मिलते हैं आपसे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी पे और देखते रहिए इंजॉय कीजिए हर हर वहाँ। अपने राइड को बहुत जल्द मतलब थोड़ा जल्दी ही रोक दिए, टाइम आपको अगर बताएं तो 5:43 हो रहा है, मतलब 6 बजने वाला है। हम लोग यहाँ इसलिए रुक गए कि यहाँ मतलब होटल था और इस साइड में नहाने का सारा सुविधा है। भाई मस्त लोकेशन पे आज रुके हैं हम लोग, देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है हाईवे का और नीचे यहाँ होटल में चाय बहुत बढ़िया है। जैसा हम मतलब पीते हैं सेम वैसा ही है, होटल का है पर जैसा पीते हैं वैसा ही है। तो अभी हम लोग का खाना यहाँ पे आ गया, आप चेक कर सकते हो खाने में क्या है। रोटी है, दाल है, दही और आलू का भुजिया और सलाद है बाकी। तो अभी हम लोग खाने को खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग को सोने जाना है और वीडियो भी एडिट करना है तभी तो आप लोग देख पाइएगा। तो चलिए खाने को खाते हैं जल्दी से और फिर वीडियो एडिट करके कल के लिए रखते हैं, फिर सो जाएंगे।